सर ये कहाँ कमी है सर, यहाँ जब एक्सीडेंट वगैरह होता है और कोई एक्सपायर हो जाता है तो इसी गैलरी में रखते हैं। सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह आज हरगांव सीएससी पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद पचेहरा गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में जब उनके सामने ग्रामीणों ने शिकायतों की गठरी खोली तो खासा नाराज दिखे। संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, उन्हें कड़े निर्देश दिए और इसके अलावा यह भी दो टूक कहा कि इसके बाद अगली बार अगर कोई शिकायत मिली तो वो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। हमारे हरगांव के सहयोगी अनूप रस्तोगी फोन पे हमसे जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ रहा निरीक्षण में और जन चौपाल में क्या कुछ मामला निकल के सामने आया। उदय जी, आपको बता दें कि आज जो है जिलाधिकारी का कार्यक्रम जो है पचेहरा ग्राम सभा में जन चौपाल का था, लेकिन अचानक जिलाधिकारी अनु सिंह जी और ये जिला उप जिलाधिकारी एसडीएम सदर अनिल कुमार जी व जिला सूचना अधिकारी लाल कंवल जी, ये लोग सीएससी 915 पर पहुंचते हैं और चूंकि अचानक ये प्रोग्राम इनका बनता है तो अस्पताल में जो है अच्छा खासा हड़कंप मच जाता है। फिर जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल का विधिवत निरीक्षण करते हैं बड़ी बारीकी से। सीएससी में मौजूद सभी जो है दवाओं की जानकारी ली और दवाओं का मिलान लिस्ट से कराया अपने सामने, और उन्होंने ओपीडी भी देखी, महिला वार्ड भी चेक किया, प्रसव कक्ष भी देखा, पैथोलॉजी भी देखा, स्टाफ कार्यालय की भी जांच की, महिला वार्ड में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की, उपस्थित रजिस्टर का भी मिलान किया और साथ ही लैब टेक्नीशियन का प्रभार जो है किसी अन्य के पास था इस संबंध में बहुत ही नाराजगी जताई, और उन्होंने जो मौजूद स्टाफ था उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक अन्य सुधार किए जाने की चेतावनी वहां स्टाफ को दी। जी, इसके अलावा पचेहरा में जन चौपाल लगाई तो जैसा कि सामने आ रही है भी तस्वीरें कि वहां पर काफी शिकायतें ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष रखी, वहां क्या कुछ रहा। जी बिल्कुल सही बात है, वहां पर ग्रामीणों ने जो है शिकायतों का बिल्कुल अंबार लगा दिया। जन चौपाल में जब जिलाधिकारी पहुंचते हैं तो ग्रामीणों से पूछते हैं कि कोई समस्या हो तो बताएं, तो ग्रामीणों ने पहले तो यही बताया कि जो है सड़क जो है यहाँ की टूटी हुई है, तो इस पर जिलाधिकारी ने पूछा ये कब बनी थी, तो ग्रामीणों ने बताया कि 4-5 माह पूर्व बनी थी। इस पर जो है अच्छी खासी नाराजगी जो है जाहिर की, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी कि जल्द ही मार्गों को दुरुस्त कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने एक शिकायत ये भी की कि उन्होंने पेंशन के लिए जो है आवेदन किया था जो खारिज कर दिए गए हैं, और जो है उसको पता नहीं उसमें क्या हुआ है और क्या चल रहा है। इस पर वहां पर मौजूद समाज कल्याण अधिकारी से उन्होंने पूछा कि बिना जांच के आवेदन कैसे खारिज कर दिए गए हैं, तो इस पर मौजूद वहां पर मौके पर ही मौजूद जो है एडीओ पंचायत ब्लॉक हरगांव के, उनसे एडीओ ने पूछा तो एडीओ ने जो जवाब दिया उस जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने एडीओ को हिदायत दी। साथ ही उदय जी आपको बता दें कि क्योंकि विद्युत व्यवस्था पूरे जिले में बदहाल है इस समय, तो विद्युत आपूर्ति पर भी जो है ग्रामीणों ने जो है शिकायत की, तो उन्होंने विधिवत समीक्षा की विद्युत आपूर्ति की और एक्सियन को फटकार भी लगाई और एसडीओ से जवाब तलब किया कि रोस्टरवार लाइट क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं आप लोग, और साथ ही ट्रांसफार्मर की भी शिकायत ग्रामीणों ने की, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है तो उस पर जो है तत्काल कार्रवाई करते हैं, उसकी तत्काल व्यवस्था कराएं। साथ ही जो है ग्राम सभा में साफ सफाई पर भी जोर दिया जी। और आपको उदय जी बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के आने जाने के रास्ते के बारे में भी उन्होंने प्रधान को निर्देश दिया कि ये जो है रास्ते विद्यालय खुलने से पहले जो है वो दुरुस्त हो जाने चाहिए, और बच्चों को बैठने की व्यवस्था आगामी 20 दिनों के अंदर कुर्सी में जो है प्रधान को निर्देशित किया कि वो बनवाएं जी। और साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद जो है जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनसे ये भी जो है निर्देश दिए कि जो तालाबों पर अवैध कब्जे हैं उनको तत्काल जो है हटवाया जाए, और पूरी ग्राम सभा में एक तालाब अवश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी भरा रहना चाहिए जी। इस पूरे जन चौपाल में शिकायतें बहुत लोगों ने की।
साथ में उन्होंने ये भी कहा आज जिलाधिकारी ने कि ये चूंकि आज से जन चौपाल की शुरुआत हो रही है इसलिए आज कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आइंदा शिकायत मिलने पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपकी नौकरी जाएगी। जी बिल्कुल, जान आज 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 खासा नाराज दिखे डीएम इस बात को लेकर कि जिन्होंने जन चौपाल लगाई वहां बाकायदा ग्रामीणों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी उनके सामने, तो इससे जहां वो हैरान भी दिखे वहां नाराज भी दिखे और काफी सख्त तेवर अपनाए। अधिकारियों को दो टूक उन्होंने चेतावनी दी है आज कि अगले 10 दिनों के अंदर इन सब शिकायतों का निस्तारण किया जाए। और एक खासा नाराज वो जिला पंचायत राज अधिकारी पर दिखे इसलिए कि वहां जन चौपाल में जो इतने बड़े पैमाने पर शिकायतें उनके सामने आई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जिला पंचायत राज अधिकारी से कि आप रोस्टर बनाएं और जनपद में पंचायत स्तर पर बैठकें कराएं जिनमें लेखपाल और संबंधित अधिकारी मौजूद हों और जो शिकायतें हैं ग्रामीणों की पंचायत स्तर पर उनको पंचायत स्तर पर ही निपटारा उनका करा लिया जाए। दो टूक आज उनको निर्देश दिए। जी अनूप जी, इसके अलावा अगर कोई कुछ खास रहा हो। नहीं उदय जी, खास तो यही है कि जिलाधिकारी का प्रोग्राम अगर पचहरा में था तो ये खास ही है कि वो बिना बताए अचानक से निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं सीएससी, तो उसमें जो है पूरा हड़कंप मच जाता है। और दूसरा ये कि जो सबसे ज्यादा शिकायत जो है ग्रामीण स्तर पर पेंशन की और इनकी आती है उसके लिए जो है खासा नाराज दिखे कि इनको कैंप लगाकर या गाँव में बैठ कर जो है इनको बनाया जाए और इसका निस्तारण किया जाए। जी बिल्कुल, जिलाधिकारी ने जन चौपाल के दौरान आज ये भी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, जो हैंडपंप, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, हैंडपंप जो खराब है गांव में और जो रिबोर योग्य हैं उनको तत्काल दुरुस्त करवाया जाए। इसके अलावा जब बिजली व्यवस्था की शिकायत, बदहाल की शिकायत उनके सामने पहुंची तो उन्होंने एसडीओ को हिदायत दी है कि पहली बात यह कि आप सीयूजी नंबर हर हाल में उठाएंगे और अपने माथतों को भी ये बात बता दीजिए कि वो नंबर हर हाल में उठाएं जिससे कि ग्रामीणों को ये जानकारी मिल सके कि उन्हें बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है और कब तक मिलेगी। खास इस पर उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया ये उन्होंने आज सख्त निर्देश दिए हैं कि चूंकि आज से शुरुआत हुई है जन चौपाल की, अब ये जन चौपाल जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी जिसमें ग्रामीणों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी। इसमें अगर कोई दिक्कत सामने आती है, कोई समस्या ऐसी सामने आती है जो अधिकारियों की लापरवाही से समस्या वो लंबे समय से बनी हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा संबंधित अधिकारी को। फिलहाल आज पहला मौका था यह जन चौपाल का जिसमें जिलाधिकारी पहुंचे हर गांव और जिलाधिकारी ने आज जहां उनका रुख नरम भी दिखा कुछ मुद्दों को लेकर के, वहीं कुछ शिकायतों को लेकर के उनके तेवर भी दिखे, तेवर में दिखाई दिए और अधिकारियों को हिदायत दी। फिलहाल आप सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों को अपडेट रहने के लिए, घर बैठे देखने के लिए आई इंडिया से जुड़े रहें। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे खबर सबसे पहले। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।